हाय फ्रेंड्स, मैं हरिशंकर पांचाल फरीदाबाद से। आज आपको दिखाऊंगा हेज कटर में किस तरीके से धार लगाई जाती है। इस वाले कटर में देखो कि फ्रेंड, आप ये मालियों के पास होता है, जो माली होते हैं पार्क वगैरह में काम करते हैं उनके पास होता है, उसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड, मेरी वीडियो अंत तक देखना, लास्ट तक मैं किस तरीके से इसमें काम करता हूँ और बहुत ही अच्छी तरीके से इसको बना के दिखाऊंगा। मैं आज आपको हर बात बताऊंगा इस कैंची के बारे में। तो फ्रेंड, मैं इस कैंची को खोलता हूँ यहाँ से। सबसे पहले फ्रेंड, आने के बाद हमें ये देखना कहीं से कैंची में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो फ्रेंड, इस वाली कैंची में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेट है। धार लगाने का ही काम है सिर्फ इसमें, और कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से देख सकते हो इसकी धार जो है बैठी हुई है, ये देख रखे हो, डाउन है थोड़ी थोड़ी सी, इधर से भी और इधर से भी। तो फ्रेंड, यही है जो इसकी धार खत्म हो चुकी है। बाकी ये नया कटर है, पहली बार धार लगने आया है। तो फ्रेंड, इसको इधर से खोलेंगे। तो मैं फ्रेंड, मेरी वीडियो को अंत तक देखें। ये मैंने तो फ्रेंड, मैंने इसके नट बोल्ट खोल लिए हैं, आप देखोगे मैंने बिल्कुल अलग कर लिए। अच्छा फ्रेंड, देखने वाली बात है इसमें, ये देखो ये हिल रहा है, जो इसकी दो रिपे होती हैं ये लूज है, आप देखोगे अपना आप पता लग जाएगा ऐसे हिलने लगेगा। तो इसको भी आपको टाइट करना है फ्रेंड। तो टाइट करने के लिए जैसे हम कैंची के रिपे टाइट करते हैं ना, उसी तरीके से टाइट करना है फ्रेंड। तो मैं आपको फ्रेंड, मैं इसके रिपे टाइट करके अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे कि हम कैंची की रिपे टाइट करते हैं फ्रेंड, उसी तरीके से हमें इसकी रिपे टाइट करनी है। और आपको मैं बताऊं फ्रेंड, इसके जो ये इधर में हॉल हो रखा है ना, आपको ये रिपेट का हॉल है, और रिपेट वाले हॉल को ही इस कोने पे रखना आपको, अपनी आयरन पे चीये पे जो जिससे भी जिसको भी आप यूज करते हो, इस तरीके से आपको इसे टाइट करना, समझ गए फ्रेंड। इसके ऊपर चोट आनी चाहिए, समझे ना, ऐसे आप देख सकते हो, एक बार कैमरे से दिखाओ पूरा, ठीक है फ्रेंड। इस कोने पे ही आप अगर इस पे चोट मारोगे तो बिल्कुल बढ़िया टाइट हो जाएगी। अब ये बिल्कुल टाइट हो चुकी है फ्रेंड, आपको आवाज से पता लग रहा होगा। अच्छा फ्रेंड, मैं आपको बताऊं, इसको यूज करते करते इसके ऊपर एक कालोस जम जाती है, मिट्टी जम जाती है काफी। तो आप इसको एक दूसरे ब्लेड से इसको इस तरीके से साफ कर सकते हो, क्योंकि हमारे ग्राइंडर में बैठेगी, हमारा ग्राइंडर काला होगा तो वो घिसाई कम करेगा फ्रेंड। तो फ्रेंड, ये मैंने बिल्कुल साफ कर दिया है इसको, इसी तरीके से आपको दूसरा ब्लेड साफ करना है। तो फ्रेंड, मेरी वीडियो अच्छी लगे कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर करना। जो नए भाई मेरी वीडियो देख रहे हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको आपके नोटिफिकेशन में मिल जाए, आपके फोन में ही मैसेज आ जाएगा, नई वीडियो डल जाएगी जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन का बटन दबाओ, बहुत से भाई बेल आइकन का बटन नहीं दबाते ना, तो उससे नेक्स्ट वीडियो उनके मैसेज में आती ही नहीं है, तो वो कभी मेरा चैनल खोलेंगे तब मेरी वीडियो मिलेगी। बेल आइकन का बटन दबा दोगे तो नेक्स्ट वीडियो आपको अपने आप ही मैसेज में मिल जाएगी, नोटिफिकेशन में। तो फ्रेंड, मैं अपना ग्राइंडर चालू करता हूँ। अब ग्राइंडर फ्रेंड हमारा बिल्कुल सही होना चाहिए, इसके जो इसके अंदर जंग जो घिसते हैं वो साफ होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड, मैं वो आपको बताऊंगा किस तरीके से हमें धार लगानी है। तो फ्रेंड, आपको इस कैंची को बीच में चलाना है हाथ, आपको जो ग्राइंडर का जो है ये देखोगे आप बीचों बीच चल रही है, और हाथ को ना ये फ्रेंड हाथ एक ही जगह चलाना है, एक जगह का मतलब एक ही सीट निकालनी है आपको इसके अंदर। जितना चौड़ा व्हील होगा उतना ज्यादा अच्छा होता है, वैसे मैं बताऊं आपको, ज्यादा बड़ा व्हील, क्योंकि मेरा ये व्हील भी अब घिस चुका है, मैं इसको किसी न किसी दिन चेंज करूंगा। ये देखिए फ्रेंड, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगता है इस कैंची में, हमारे यहाँ तो रेट भी बहुत कम है फ्रेंड, इसके 100 रुपये लेते हैं, आप लोग बहुत दूर दूर तो बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं, और हमें काम भी एकदम परफेक्ट करके देना होता है फ्रेंड। आपको हाथ का बैलेंस बिल्कुल बढ़िया बना के लेना, देखो फ्रेंड देख रहे हो आप, अब मैं इसी तरीके से इसे घिसता रहूंगा फ्रेंड, कि वीडियो फिर बहुत ज्यादा लंबी होगी अगर मैं बिल्कुल इसकी बनाता जाता हूँ,
तो बहुत ज्यादा लंबी वीडियो होगी, वक्त लगेगा इसमें, इसी तरीके से आपको घिसना है इसको। अच्छा फ्रेंड एक बात और बताऊं, जैसे इधर ये किनारी बनी हुई है ना, आप इसको दबा सकते हो, मतलब बनी हुई नहीं है, सीट है, जैसे आप इधर यानी आगे से उठा के हाथ को, समझे फ्रेंड। अब मैंने इसको आगे से उठाया हुआ, कैमरे से दिखा हुआ, मतलब पूरी मैंने इसको बीच में से नहीं दिखाया है, ब्लेड को उठा के रखा हुआ है आगे से। अभी आप देखोगे, ये देखो ये वाली जो लाइनिंग आई है ना फ्रेंड, ये वाली, ये पूरी लाइनिंग इस तरीके से ही आई है, समझे फ्रेंड। ये मैंने इसको डाउन करा इधर से, क्योंकि अब इसकी सीट ज़्यादा चौड़ी थी, अब सीट कम हो गई, इतने स्पेस में ही काम करूँगा मैं अब इसके। ये देखो फ्रेंड, अब मैंने हाथ को बिल्कुल जमा के रखा हुआ है फ्रेंड, ये देखो। उस सीट से हमें कोई काम नहीं है ना पीछे से, तो मैंने इस वजह से एकदम ज्यादा भी डाउन नहीं करना फ्रेंड इसको, बिल्कुल हल्के हाथ से, मतलब आपको लगेगा हाँ डाउन हो चुका है, सिर्फ इतना ही करना, ज्यादा नहीं दबाना, कहीं आप इसको बिल्कुल ही डाउन कर दो, खाली इतने में अब ये काम करेगी फ्रेंड। अब हमें इसे खड़ी धार लगानी है, इसको बोलते हैं खड़ी धार। अच्छा फ्रेंड, ये कहीं से उंगली इसके ऊपर रिपते हैं ना, तो उसके लिए आपको ये करना है काम, आप इसको इस तरीके से थोड़ा सा ग्राइंडर से घिस दोगे, लकड़ी आपके पास इस तरह की होनी चाहिए, कलम बोलते हैं इसको, चोटी बोलते हैं, कुछ भी बोल दो अपने हिसाब से। अब ये रिपते कि नहीं रिपते बिल्कुल, इसमें भी आपको बिल्कुल एक ही तरीके से हाथ चलाना है बराबर, और जो फ्रेंड हमारे हाथ रखने के जो तरीके हैं ना, वो इस तरीके से होने चाहिए। आपको मैं बताऊं, आप मैं तो बैठता हूं, खैर इसके पीछे ग्राइंडर छोटा भी हो चुका है, तो इसे कम डरने की जरूरत है, ज़्यादा जरूरत नहीं है डरने की। तो फ्रेंड दोनों हाथ हमारे जमे हुए होने चाहिए, कोहनी जो हमारे हाथ की है वो हमारे हाथ बिल्कुल रखे हुए होने चाहिए। आप इधर से कुछ आप मेरे फ्रेंड जो हाथ रखने का तरीका उसे देख सकते हो, ये कोहनी मेरी इस पैर को, मतलब पैर के ऊपर रखी हुई है, ये वाली कोहनी इस पैर के ऊपर रखी हुई है, और दोनों जो मेरे हाथ हैं इसके ऊपर इस तरीके से हमारे हाथ लेना, इसको घिसने का तुम्हें पता कैसे लगेगा इसका काम पूरा। इसमें इधर जो ग्राइंडर की बावरी आ जाएगी, डोरा भी बोलते हैं, बावरी भी बोलते हैं, आप देखोगे इसमें, ये देखो ज्यादा इसको चौड़ी करने की भी जरूरत नहीं है, अभी आपको दिखाता हूँ पूरा ब्लेड रेडी करके। फ्रेंड इस तरीके से धीरे धीरे पूरी जो पूरी इसके ऊपर धार लग जाएगी, आप देखना था, देखोगे ठीक है, यहाँ से रह गई है आगे से, इसी तरीके से घिसाई होनी चाहिए। मैं भी आपको ये बता दूं, यहाँ से इस तरीके से घिसनी चाहिए, मतलब ऐसे ऐसे धीरे 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 घिसेगी, तो ये अगर आपने आगे आगे से डाउन करी तो भी कोई फायदा नहीं है, धार हमेशा ऐसे होनी चाहिए, समझे। इधर से आप देखोगे, ये मैंने अभी यहाँ तक इसको घिसा ही नहीं है, धीरे धीरे घिसूंगा तो ये इसी लेवल पर इसी तरीके से घिसती हुई चली जाएगी, अब ये पूरी हो जाएगी। तो फ्रेंड मैंने इसकी बाहर जो है ग्राइंडर पे लास्ट हो गया, फिनिशिंग हो गई है पूरी, आप देखोगे इस तरीके से। इधर मैंने इसको हल्का सा पॉइंट इधर छोड़ दिया है, देखो मेरा छोड़ दो, उससे कोई दिक्कत नहीं, अगर आप उसको साफ भी कर सकते हो कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। इधर से भी पूरा हो चुका है, ये अलग थोड़ा सा ग्राइंडर का हिस्सा लगा हुआ है इसमें, बाकी से आप बराबर कर दोगे, समझे। इधर से मैंने सीट डाउन करी थी पहले, ये है, देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, कहीं से ऊंची नीची ना हो, ठीक है फ्रेंड।
इसी तरीके से फ्रेंड मैं दूसरा ब्लेड लगाऊंगा, ये इसका दूसरा ब्लेड है, अब मैं इसमें धार लगाऊंगा फ्रेंड। फ्रेंड इसको इसी तरीके से मैंने डाउन कर दिया है पीछे वाले हिस्से को, इसको कमर का हिस्सा बोलते हैं, कमर का हिस्सा है ये, ठीक है फ्रेंड। और आपको फिर इसी तरीके से खड़ी में भी इसी तरीके से लगानी है आपको। तो फ्रेंड देखोगे मैंने दूसरा ब्लेड भी तकरीबन रेडी कर दिया है, समझे फ्रेंड। काम इस पर इसी तरीके से करना है आपको, बिल्कुल स्लो तरीके से काम होगा, धीरे धीरे काम होगा। यहाँ से और यहाँ तक वैसे आपको बिल्कुल बराबर घिसनी है, ऊंची नीची कहीं से भी ना हो, जैसे हम कैंची में बनाते हैं बिल्कुल एक सार एकदम प्लेन बराबर। इधर से भी आप इसको ऐसे देखोगे तो बिल्कुल गोलाई में जिस तरीके से शेप है इसकी, उसी शेप में धार आनी चाहिए, समझे फ्रेंड। तो फ्रेंड मैंने इसकी धार तकरीबन पूरी कर दी है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इसको जो पकड़ने का जो तरीका मैंने बताया नहीं शुरू में, आपको इस तरीके से पकड़नी है, अंगूठा आपको इस पे रखना है, आपको इसके ऊपर आप इसके अंगूठा रखोगे ये अपना आप सीधी घिसाई घिसाई होगी सीधी, समझो फ्रेंड। ये देखो बिल्कुल घिस चुकी है, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे डाउन कर सकते हो इसको, दोनों ब्लेड फ्रेंड यहाँ से यहाँ तक बराबर होने चाहिए, आप देख सकते हो कहीं से भी। इधर तो मैंने डाउन किया हुआ है थोड़ा सा, ये कोना डाउन कर दिया इस तरीके से, आप इसको साइड से तो डाउन कर सकते हो, लेकिन यहाँ से और यहाँ तक बिल्कुल बराबर घिसाई होनी चाहिए इसकी, आप देख सकते हो। कहीं से खड़ी में भी आपको अगर इधर से ध्यान दोगे तो ऊंची नीची नहीं मिले, कहीं से भी पूरी बराबर होगी, समझे फ्रेंड। अब मैं इसको फ्रेंड शान पे लगाऊंगा, और शान पे लगाते हुए कि आपको वीडियो बना के दिखाता हूँ, ठीक है फ्रेंड। वीडियो लंबी होगी लेकिन सारी बातें इसमें मैं बताऊँगा आपको, और ठीक है फ्रेंड। अब बता दूँ आपको शान पे लगा किस तरीके से बनेगा, फ्रेंड शान बिल्कुल हमारी जीरो चलनी चाहिए, जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ आपको, बिल्कुल सही होनी चाहिए, बिल्कुल जीरो। ईट मैंने लगा ली है इसके ऊपर, और जो रखने का भी तरीका है इसी तरीके से, जैसे आपको ग्राइंडर पे आपने लगाई है उसी तरीके से शान पे लगेगी। अच्छा फ्रेंड ये बताऊँ, बहुत से लोग भाई तो ग्राइंडर पे काम करते हैं ना खाली, ग्राइंडर पे कोई धार वगैरह नहीं आती फ्रेंड, शान पे धार नहीं लगेगी कैसी भी, तो शान धार लगी समझो कैसी चलेगी नहीं, चाहे वो कोई भी कैसी है। इधर भी फ्रेंड बिल्कुल आपको हाथ का बिल्कुल बैलेंस बना के इसके ऊपर एकदम काम करना है आपको, इस तरीके से जैसे हम कैंची के ब्लेड को लगाते हैं उसी तरीके से इसमें भी धार लगानी है आपको, बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, कहीं से भी ऊंची नीची नहीं होनी चाहिए, ना आपका हाथ हिलना चाहिए, समझे फ्रेंड। इसको भी पकड़ने का तरीका यही है, या तो आप यहाँ से पकड़ लो या यहाँ से पकड़ लो, यहाँ से पकड़ दो गर्म हो जाती है फ्रेंड, आप यहाँ से थोड़ा दूर से भी रखोगे तो भी चलेगा इस तरीके से। आपका हाथ बिल्कुल नहीं हिलना चाहिए फ्रेंड, अब इसकी धार एकदम ओके हो चुकी है, आप देखो फ्रेंड। इसी तरीके से मैं दूसरा ब्लेड लगा के दिखाऊंगा फ्रेंड आपको, तो ये वाला ब्लेड है ना फ्रेंड, इसको भी बड़े बैलेंस से लगाना, क्योंकि ये डाउन वाला ऐसे वाला है तो ये ऐसे घूम जाता है,
घूमे ना उसके लिए आपको अंगूठे का जोर पूरा इधर रखना है और खड़े में आपको इसको इस तरीके से लगाना है, इसको बोल के खड़ी रहा। इस तरीके से काम करना, देख सकते हो फ्रेंड आप खड़ी धार भी बिल्कुल। ये पीछे वाली जो आपको किनारी दिखाई दे रही है ये ग्राइंडर की है, आगे सान की है, ये तो ये भी बिल्कुल लेवल में होनी चाहिए, एक सार होनी चाहिए एकदम बराबर। इस तरीके से फ्रेंड आपको इसमें धार लगानी है। तो फ्रेंड तकरीबन मैंने इसकी पूरी धार कर चुका हूँ, तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड लाइक कमेंट जरूर करना, और जो नए भाई मेरी वीडियो देख रहे हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, उससे जो आने वाली वीडियो है आपके नोटिफिकेशन में पहुंच जाएगी, आपको अपना पता लग जाएगी कौन सी वीडियो नहीं बनाई। तो फ्रेंड मैं भी एक नुक्ते की बात और बताने जा रहा हूँ आपको, इसमें देखना है आपको, जैसे उस इस वाले ब्लेड, ये ब्लेड फ्रेंड ये बिल्कुल सीधा है, इसके अंदर खांचा है, ये गड्ढा होता है इसके अंदर, हर कैंची के अंदर मिलेगा ये, कोई टहनी वगैरह काटनी हो उसके लिए होता है, ठीक है फ्रेंड। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ इसमें जो इस, हम यहाँ से इसकी धार लगा दी, जब इसको कसेंगे तो फ्रेंड ये अटकेगा इधर ऐसे, ये अटके ना, उसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ आपको, जो ये कोना है ना फ्रेंड, ये आपको इस तरीके से इसके हल्के हाथ से इसको डाउन कर देना है, बहुत हल्के हाथ से, ऐसा नहीं कि आपको इसकी धार ही दबा देनी है, आपको सिर्फ ये कोना डाउन करना है फ्रेंड, देखोगे ठीक है, दिखाई दे रहा पूरा। तो फ्रेंड मैंने इसके नट बोल्ट कस दिए हैं, मैं वो आपको दिखाऊंगा, देखो मैंने जो ये काम किया था ना इधर, अगर मैं इसको नहीं करता पहले डाउन तो ये रुकती इधर आके, अब देख सकते हो आप बिल्कुल भी नहीं रुकती, समझे फ्रेंड, जो भी मैंने काम किया फ्रेंड वीडियो में पूरा दिखाया, मैंने इसमें कुछ छुपाया नहीं है, बिल्कुल अभी एकदम सेट हो चुकी है, आप इससे कुछ भी काम करो। अच्छा बहुत सी कैंची में फ्रेंड आपको एक बात हो, ये तो नई थी, जो दो तीन बार चार बार धार लग चुकी होगी उसमें एक प्रॉब्लम आएगी, मैं वो अभी आपको बता देता हूँ। अभी तो इसकी नोक पूरी मिल रही है यहाँ से, देख सकते हो आप, और जिस कैंची की नोक ना मिले, क्योंकि पीतल वाली कैंची कपड़े वाली कैंची तो हम यहाँ पे हथौड़ी चोट मार के ठीक कर देते हैं, इसमें कैसे ठीक करेंगे मैं बताता हूँ आपको। यहाँ से आपको घिसना है इसको, मान लो ये नोक ऐसे खुल जाती है, चार पाँच बार तीन बार धार लगेगी कैंची में तो नोक इतनी खुलेगी जरूर। अब आपको कस्टमर ये बोलेगा इसकी नोक तो पूरी मिल ही नहीं रही, तो पूरी नोक मिलाने के लिए फ्रेंड आपको यहाँ से इसे घिसना होगा, ग्राइंडर से आप घिस सकते हो, मैं भी आपको दिखा देता हूँ, मैं घिसूंगा नहीं इसको, सिर्फ एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाऊंगा। अभी इसकी नोक पूरी मिली हुई है, देख सकते हो आप यहाँ से, जिसकी नोक ना मिल रही हो फ्रेंड वो देख लेकर, अगर ज्यादा ही कोई दिक्कत है तो उसमें गौर करना है आपको, कहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है, और उसके लिए फ्रेंड आपको इस तरीके से ग्राइंडर पे ये वाला कोना घिसना है फ्रेंड, बिल्कुल देखो एक बार वीडियो में दिखाओ, ये देखो ये डाउन करना है, ठीक है फ्रेंड। मैं इसको ज्यादा नहीं घिसूंगा क्योंकि ये फिर ज्यादा हो जाएगी, तो आपको ये यहाँ से घिस देना, किसी में रबड़ होती है, किसी में प्लास्टिक होती है, किसी में नट बुल्ट वेल्डिंग भी हुए मिलेंगे आपको, तो आपको वहां से घिसना है उसको और ये एकदम सेट हो जाएगी। अगर आपने ज्यादा घिस दी तो ये फिर बाहर निकल जाएगी, उसके बाद आपको अगर ज्यादा ही निकल गई है तो आपको वेल्डिंग का टाका रखवाना होगा, नट बुल्ट या कुछ भी एक वेल्डिंग करवानी होगी जिससे नोक पूरी खुलेगी, पूरी सेट हो जाएगी। तो फ्रेंड मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर कर देना, आने वाली वीडियो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन में अपने आप पहुंच जाएगी, समझे फ्रेंड। ओके बाय बाय।